नमस्कार, मुंबई लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश ठाकुर। बम ब्लास्ट की वारदात हो या आगजनी की घटना, दुर्घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है। इस आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस बारे में मुंबई फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट ने मुंबई के शिवाजी पार्क में मुंबई वासियों को मॉक ड्रिल के जरिए जानकारी दी। आपस में भिड़ी गाड़ियां, चारों तरफ आग, आसपास पड़े लोग, यानी हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि ये किसी हादसे का नजारा है, लेकिन आप घबराएं नहीं, यहाँ किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि यहाँ पर ऐसे हादसों के बाद उससे कैसे निपटा जाए उसकी जानकारी दी जा रही है। और ये सब कुछ नाट्य रूपांतरण है और इसका प्रदर्शन किया गया है फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से, जिसमें इस विभाग के लोगों के साथ आम जनता को भी ये बताया गया कि ऐसी स्थिति में काबू पाने के लिए पहले क्या कदम उठाए जाएं। जानते हैं कि 1993 का रॉयट्स, बाद में बॉम्ब ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट, कई तरह की आपत्तियां आए, मैनमेड और नेचुरल आपत्ति यहाँ पे आई है। 1995 को आपको जानते होंगे। इस पे काबू करने के लिए और जो लोग जो इंजुरी होती है, जैसे ट्रेन एक्सीडेंट में 7 ब्लास्ट हुए थे, उनको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए थी, इसका एक एक एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। अमेरिका से और हमारे हिंदुजा हॉस्पिटल और केएम हॉस्पिटल के सब डॉक्टर ने मिलके इसको एक अंजाम दिया। दादर के शिवाजी पार्क में फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आयोजित इस साझा प्रदर्शन में आज तमाम लोगों ने भाग लिया। किसी भी देश में कभी भी प्राकृतिक या मानवीय आपदा आ सकती है और इस आपातकाल स्थिति से पहले लोगों को ही मुकाबला करना पड़ता है। सरकारी मदद पहुंचने से पहले आम लोगों को ही हादसे में फंसे लोगों को बचाने के लिए आगे आना होता है। और ऐसी स्थिति में पहले क्या करना चाहिए, इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक नाट्य रूपांतरण के जरिए दी, वो काफी कारगर साबित हो रही है। हादसा कभी भी कहां पर भी हो सकता है, लेकिन उस वक्त हादसे में फंसे लोगों को जरूरत होती है जल्द से जल्द मदद की। आज डिजास्टर मैनेजमेंट के इस कार्य प्रणाली से यही सिखाया गया। कैमरामैन गजानन के साथ अविनाश डेगसकर, स्टार न्यूज, मुंबई। मुंबई लाइव में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।